सारिक 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 चांद सितारे ये सारे मैं लाऊं तेरे लिए हाजी उतार के। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत का स्पेशल शो बॉलीवुड बफ और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाक। आज हम अपने शो में लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की मच अवेटेड फिल्म का पब्लिक रिव्यू। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की। जी हां, अक्षय कुमार और परेश रावल की जबरदस्त जोड़ी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। सरफिरा 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म एक बायोपिक है जिस पर अब लोगों का क्या ओपिनियन है ये हम जानेंगे। तो लोगों के से जानते हैं कि उनका इस फिल्म को लेकर देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन है और क्या उनका ओपिनियन है, तो चलिए जानते हैं। सरफिरा मूवी देख के आ रहे हैं, हाँ, कैसी लगी आपको मूवी? इट वॉज गुड। कैसी लगी आपको मूवी? अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी लगी? हाँ, वो बहुत अच्छी लगी, उसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की और जो पिक्चर का थीम है वो बहुत ही अच्छा लगा। मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? यही है कि आजकल जो यंग बच्चे हैं जो स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं, जिनको मिल जाता है अपने आप, तो उनके लिए है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, पर हाँ मोटिवेशन है यंगस्टर के लिए। अच्छी थी मूवी, मज़ा आ गया। अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। सर आपने सरफिरा मूवी देखी है, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी लगी, बहुत अच्छी मूवी है। सर ये एक बायोपिक है तो आप इस पर क्या मतलब क्या देखने को मिला, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा इसमें? इसका कंटेंट इसका बहुत अच्छा है वैसे, जैसे 1 रुपये में फ्लाइट की जर्नी दिखाई गई है इसमें, बहुत अच्छी मूवी है। तो दोस्तों आपने देखा कि अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा को पब्लिक का प्यार मिल रहा है, पहले ही दिन इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा एक बायोपिक है जो साउथ बेस्ड एक बिजनेसमैन जीआर गोपीनाथ की रियल स्टोरी पर आधारित है, क्योंकि इस बिजनेसमैन जीआर गोपीनाथ ने देश में पहली सस्ती एयरलाइन शुरू की थी और इस फिल्म को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म एक नए कॉन्सेप्ट पर आधारित है और अक्षय कुमार ने जीआर गोपीनाथ के किरदार को बखूबी निभाया है। तो आप भी सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ अक्षय कुमार की बेमिसाल एक्टिंग को देख सकते हैं। कैमरामैन मनोज ब्याज के साथ आरती तुनाक, एनबीसी भारत।